नमस्कार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, मैं देश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, नोएडा से आ रही है। इनकम टैक्स की टीम ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में महाप्रबंधक के पद पर तैनात रहे रविंद्र तोगड़ के घर पर छापा मारा है। जारचा थाना इलाके के आनंद गांव में तोगड़ के घर पर छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि पूर्व अधिकारी के घर छापे की जानकारी सिर्फ टीम के एक दो अधिकारियों को ही थी। रविंद्र तोगड़ प्रॉपर्टी विभाग में तैनात थे और अपने राजनीतिक रसूख के चलते जल्द ही धन कुबेर बन गए। गौरतलब है कि बीएसपी के शासन में रविंद्र तोगड़ की तैनाती की गई थी और एसपी सरकार आने के बाद रविंद्र को महत्वहीन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन तब तक संपत्ति अच्छी खासी बन गई थी और इसी के मद्देनजर अब छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में महाप्रबंधक रहे रविंद्र तोगड़ के घर पर छापा मारा है। जारचा थाना क्षेत्र के आनंद गांव में तोगड़ के घर पर छापेमारी चल रही है। जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, अब तक की छापेमारी में कुछ खुलासे हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो रविंद्र तोगड़ के जो ठिकाने हैं, आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक तो उनका पैतृक निवास है आनंदपुर में जो जारचा में है, और दूसरा जो उनका आलिशान बंगला ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर में बना हुआ है, उसके साथ साथ जो उनके कार्यालय और ऑफिस बने हुए वहां पर भी इनकम टैक्स के एक साथ ये मंगलवार सुबह सुबह ही ये रेड शुरू हुई है। और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अगर सूत्रों की माने तो कई अहम दस्तावेज और पेपर जो है इनकम टैक्स की टीम के हाथ लग चुके हैं। और जो छापेमारी बीटा के जो घर है वहां से शुरुआत हुई थी और इनके पैतृक निवास पहुंची है, टीम आयकर विभाग लेकर के गई है छापेमारी के लिए, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है और साथ साथ इनके जो ठिकाने हैं वो अलग अलग जगह लोकेशन पे है, इसलिए एक साथ ये टीम पूरी निकली थी। और बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग इस टीम में शामिल हैं, साथ साथ जो पुलिस बल है वो भी इन्हें दिया गया है। तो पैतृक गांव को पूरी तरीके से अगर कहे तो घेर कर वहां पर जो इनके ठिकाने हैं, अलग अलग घर है और आसपास के जो रिश्तेदारों के मकान है, उन सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। शुक्रिया पवन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो नोएडा के जारचा थाना इलाके में आनंद गांव में घर पर छापा पड़ा, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, रविंद्र तोगड़ के घर इनकम टैक्स का छापा, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। प्रदेश के सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सभी उम्मीदवारों की कॉपी दोबारा चेक करने का फैसला लिया है। इसके बाद आने वाले नए रिजल्ट के आधार पर ही सभी नियुक्तियां की जाएंगी। कॉपी चेकिंग में हुई गड़बड़ियों को लेकर बनाई गई जांच कमेटी के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत दोबारा चेकिंग में पास न होने की स्थिति में नियुक्ति पा चुके उम्मीदवारों की नौकरी भी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक कॉपियों में दिए गए नंबर और घोषित रिजल्ट में बड़ी संख्या में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार से 3 दिन में हलफनामा देकर जांच में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के फैसले के अधीन ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन था। जन्मदिन मनाने के बाद वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर 557 करोड़ की विकास परियोजनाएं दी। उन्होंने 557.40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी बीएचयू के एम्फी थिएटर में एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन हर हर महादेव के नारे के साथ भोजपुरी में शुरू किया। उन्होंने बीएचयू के एम्फी थिएटर में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और कहा कि हम आपके बेटा हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल पहले बदलाव के साथ, संकल्प के साथ निकले थे और आज अंतर साफ दिखाई दे रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम काशी को विकास देने में सफल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले काशी को बाबा विश्वनाथ के भरोसे छोड़ दिया जाता था, हमने काशी की चौतरफा व्यवस्था को विकास में बदल दिया। पीएम ने कहा कि काशी के लटकते बिजली के तार अब गायब हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के गेट के तौर पर वाराणसी को विकसित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सालों से वाराणसी में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन मामला फाइल में दबा रहा। 2014 में सरकार बनने के बाद रिंग रोड की फाइल को दोबारा निकाला गया। वाराणसी में रिंग रोड बनने से नेपाल और बिहार जाने वाले लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनवरी में काशी में प्रवासी भारतीयों का कुंभ लगेगा। जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे,
तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, वरना आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज मुझे बहुत संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम वाराणसी को विकास की नई दिशा देने में सफल हुए हैं। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है, शहर की सड़कों उस पर रात में भी मां गंगा का प्रवाह सा दिखता है। एलईडी बल्ब से रोशनी तो हुई है, आप लोगों के बिजली के बिल में भी बहुत कमी आई है। वाराणसी नगर निगम ने एलईडी बल्ब लगने के बाद करोड़ों रुपयों की बचत की है। बरसों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था। 2014 में सरकार बनने के बाद काशी में रिंग रोड की फाइल को फिर से निकाला गया, लेकिन यूपी में पहले की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में गति नहीं आने दी। उनको चिंता हो रही थी कहीं ये काम हो गया तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा, और इसलिए दबा करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का काशीवासियों और प्रदेश की तरफ से स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का काशी से भावनात्मक लगाव है, उन्होंने काशी में विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करवाया, साथ ही काशी को लटके हुए तारों से आजादी दिलाई, 72,000 से अधिक मजरों में विद्युत को पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 72,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण कराने के साथ साथ 52,00,000 परिवारों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सौभाग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी में पधारे हैं, काशी के विकास के लिए, काशी को विकास की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए विगत 4 वर्षों के दौरान काशी वासियों ने विकास की इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से महसूस किया है। यहाँ की चौड़ी होती हुई सड़कें, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुधार की दिशा में बीएचयू में यहाँ के नेत्र संस्थान को आधुनिक स्वरूप देने और यहाँ पर बेहतर उपचार की व्यवस्था करने के केंद्र का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। पीएम मोदी ने बतौर सांसद पहली बार अपने 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। मोदी ने काशी वालों को अपना मालिक और हाईकमान बताया। अब काशी वालों को पीएम के मन की बात कितनी पसंद आई, सुनिए लोगों को। एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे लीडर तो है ही, उससे कहीं ज्यादा वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने पहली बार 4.5 साल में अपने कामकाज का ब्यौरा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हमारे मालिक हैं, मेरे हाई कमांड हैं और पाई पाई का हिसाब मैं आपको दूंगा। जो योजनाएं मैं यहाँ से
शुरू किया या उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए जिसका सरोकार बनारस से है उसको एक झलक के रूप में बताते हुए कहा कि आने वाले समय में मैं ऐसे ही आप सभी लोगों को अपने कामकाज के बारे में बताता रहूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया और आप लोगों के पैसे के पाई पाई का हिसाब मैं आप तक बताता रहूंगा। और उसकी शुरुआत उन्होंने आज बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान से की। तमाम लोग हैं, प्रधानमंत्री का भाषण इन्होंने सुना। क्या लगा प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि आप हमारे मालिक हैं, मतलब क्या है इसका? प्रधानमंत्री जी प्रारंभ से ही कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ प्रधानमंत्री की जगह, तो उसी को उन्होंने चरितार्थ किया। ऐसा अपने क्रियाकलापों से उन्होंने सिद्ध किया, यहाँ सांसद के रूप में रहकर उन्होंने जितना अभूतपूर्व कार्य किया, तो इसलिए उनका यह कहना सही साबित होता है। क्या लगा आप लोगों से कहा कि एक एक पैसे का हिसाब दूंगा? हाँ बिल्कुल देंगे वो, और दे भी रहे हैं। आप उनके कार्य से देख सकते हैं कहीं भी कोई बेईमानी नहीं है, कोई मतलब छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं, जो चीजें जनता के सामने है। और वो किसके लिए बचाएंगे? उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये भारत वर्ष उनका परिवार है। कैमरा पर्सन बाबूलाल स्वातंत्र कुमार, जी मीडिया। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी कि संघ की राष्ट्रीयता और देशभक्ति को समझने के लिए मोहन भागवत के कार्यक्रम में शरीक हो। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के तीन टुकड़े किए। राहुल गांधी को साक्षी महाराज ने नसीहत दी कि संघ के कार्यक्रम में जाए राहुल गांधी, क्योंकि वहां जाने से राहुल गांधी बात और सुनने का सलीका सीखेंगे। साक्षी महाराज ने सुझाव दिया कि भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दें, वो संघ के कार्यक्रम में जाएं, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम में भी दो दिन बाकी है। महाराज जी सभी को आमंत्रण गया लेकिन कोई नहीं आया, अभी दो दिन है, क्या उनको आकर संघ के बारे में जानना नहीं चाहिए? जो आरोप लगाते हैं कि संघ मुस्लिम ब्रदरहुड है या कई तरह का आरोप लगता है, और संघ प्रमुख खुद आमंत्रण अगर दे रहे हैं कि सभी आइए हमसे सुनिए, क्या उन लोग को नहीं जाना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे दल के? मुझे लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो या किसी और दल के नेता हो, संघ की विचारधारा को सुनने समझने के लिए संघ के पास जाना ही पड़ेगा। और वहां जाने से दो लाभ होने वाले हैं, आप सलीके से अपनी बात कहेंगे, सलीके से वहां की बात सुनेंगे, तब कुछ समझ में आने वाला है। तो आमंत्रण को अस्वीकार करना, अब राहुल जी को देख लीजिए, मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं, कहीं शिवभक्त बन रहे हैं, कहीं जनेऊ दिखा रहे हैं। तो आप जो कुछ है एक बार संघ के कार्यक्रम में जाएं, आमंत्रण मिला है आपको, वहां जाकर के अपनी बात उनको कहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो आमंत्रण को अस्वीकार करने वाली बात, अभी कहा भी नहीं जा सकता अस्वीकार है, क्योंकि अभी दो दिन है, हो सकता है भगवान सद्बुद्धि दे राहुल गांधी जी को कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी बात सलीके से कह के आए। लेकिन विपक्षी दल तो यही कहता है कि आरएसएस देश तोड़ने वाले की बात करता है, सांप्रदायिकता की बात करती है, नफरत फैलाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। इस देश में आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने देश को जोड़ के रखा है। अगर आरएसएस न होता तो कब का देश टूट गया होता। इस देश को आरएसएस ही संभालेगा। इस देश को तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया, एक देश के तीन टुकड़े करा दिए, ये काम इस कांग्रेस ने किया था, आरएसएस ने काम किया। प्रदेश के ऊर्जा विभाग में गड़बड़ी की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ जिसे हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब से योगी सरकार आई है तब से ऊर्जा विभाग सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा है। उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। अनियमितताओं भ्रष्टाचार पर योगी सरकार के जो करारे वार हैं वो लगातार जारी हैं। ऊर्जा विभाग में हाथरस का एक मामला सामने आया, सरकार ने उस पूरे मामले की कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के। सर, अब हाथरस में अनियमितता पाई गई थी और लंबे समय से अनियमितता थी, जो विभागीय जांच में निकला है 2007 से गड़बड़ी हो रही थी, कड़ा एक्शन हो इसकी प्रतिबद्धता सरकार लगातार दिखाती है, उम्मीद की जा सकती है कि वैसा एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, भुआ जी के समय भ्रष्टाचार हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनको धोखा दिया गया और भतीजे ने उसको आगे बढ़ाया। जब डार्क जोन की घोषणा हुई तब इनकी पोल खुली और उसमें सामने आया कि उन्होंने किसानों से पैसा ले लिया, लेकिन किसानों से जो पैसा लिया फर्जी पासबुक बनाकर, वो ना तो सरकार के खजाने में आया, वह उस समय के जो सत्ता में लोग थे उनकी जेब में गया या फिर अधिकारियों की जेब में गया, ये तो जाँच में ही सामने आएगा। लेकिन हमने एसआईटी का गठन किया क्योंकि विजिलेंस की जो जांच चल रही थी
उसके बाद फिर हमने तय किया कि SIT इसकी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसानों के साथ किसानों को जिस तरह से छला गया, उनको जिस तरह से धोखा दिया गया, इस सब की तह में जाएंगे और जो भी इसमें दोषी होंगे उन सबको कठोरता के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, खुद आपने पहल की थी, पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब बिजली विभाग के जो गोडाउन होते हैं उसमें जो सरकारी उपकरण है वो बाहर बेचा गया था, खुद आपने पहल करके इस बात को कहा था कि उनकी भी SIT जांच होनी चाहिए क्योंकि वो इंटरस्टेट मामला है। आपको लगता कि विभाग में काफी लंबे समय से, जिसको कई बार आपने कई मंचों से कहा है, काफी लंबे समय से गड़बड़ झाला चलता आ रहा था, एक अलग तरीके का करप्शन विद इन सिस्टम फैला हुआ दिखाई देता है। देखिए, यहां 15 साल निजी स्वार्थों के लिए काम होता रहा, अपनों के लिए काम होता रहा या अपने लिए काम होता रहा, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से उपभोक्ता के हित में ऊर्जा विभाग में काम शुरू हुआ है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकारों के समय बिजली विभाग में कई तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अब रैंडम चेकिंग करके और बेहतर तरीके से जांच करके पूरी पूरी व्यवस्था को ठीक करने की और कंज्यूमर फ्रेंडली करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, जी मीडिया। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के पिछली सरकारों पर किए गए हमले के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई। विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऊर्जा मंत्री और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि चुनाव से पहले बहुत वादे हुए थे लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आदरणीय मंत्री जी का स्वभाव है आरोप लगाना, चीजें ठीक से हों, अगर कुछ गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उस ये भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि इन जांचों के वजह से आम जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना होने पाए। जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी जब आए यहाँ पर जीत कर आए तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे हम बिजली देंगे शहरों में और किसानों के लिए, उसके लिए हम प्रबंध करेंगे कि उनको जो है बिजली उनको मुहैया हो जिससे उनकी खेती किसानी में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज समझ चुकी है कि ये वादा वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन योगी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो बहुत धार्मिक आदमी है, बढ़िया आदमी है, धर्म धर्म का काम अच्छा करते हैं, सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। मायावती के सम्मानजनक सीट मिलने के बयान के बाद बीजेपी भी चौकन्ना हो गई है। मंत्री मोहसिन रजा ने मायावती को नसीहत दी है कि जहां सम्मान मिलना ही नहीं है वहां से उम्मीद भी क्यों की जाए। इशारों इशारों में मोहसिन रजा ने मायावती से दूसरे विकल्प पर भी ध्यान देने की नसीहत दे डाली। बहन मायावती का स्टेटमेंट आज आप जिस पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सम्मानजनक अगर सीट मिलेगी तो हम विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि जहां हमेशा उनका अपमान हुआ हो वहां सम्मान की उम्मीद ही क्यों वो कर रही हैं, और जहां सम्मान मिला है मुझे लगता है उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। ये मेरी बहन मायावती जी को एडवाइस है कि वहां विचार करें जहां उन्हें सम्मान मिला है, और जहां हमेशा अपमान मिला है उनसे सम्मान की उम्मीद न करें। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते प्रश्नकाल बाधित हुआ। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस की बड़ी कीमतों को लेकर हंगामा किया। कार्यस्थगन के तहत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। स्पीकर के नियम 58 के तहत मामले को सुनने के आश्वासन पर कांग्रेस विधायक शांत हुए। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय धरने पर बैठ गए। किशोर उपाध्याय विधानसभा में सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों को वन अधिकार से संबंधित पत्र को बांटने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इससे नाराज होकर किशोर उपाध्याय विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कांग्रेसी विधायक काजी निजामुद्दीन, विधायक करण माहरा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई विधायक किशोर उपाध्याय के समर्थन में पहुंच गए। इसके बाद किशोर उपाध्याय अपनी पार्टी के विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर गए, जहां कई विधायकों ने सुरक्षा कर्मियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आपको बता दें कि मौजूदा समय में किशोर उपाध्याय विधानसभा के सदस्य नहीं है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। किसी खबर को लेकर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप किसी खास मुद्दे को टीवी पर उठाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222999।
हाथी की ताकत और हाथ का हाथ। सियासी सड़क पर साइकिल की चाल, कितना बचा है हैंड पंप में पानी, क्या कमल दोहराएगा 2014 की कहानी। हर पल रंग बदलती राजनीति पर है हमारी पैनी नजर। आज तक पॉलिटिक्स, यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर देखिए यूपी की महाभारत 2019 सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देहरादून में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के बालावाला क्षेत्र के है, जहां पर आदेश बालियान बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते थे। वो अपने एक मित्र के साथ ट्रक लेकर सप्लाई करने गए, जहां पर अचानक पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने आदेश को अपना निशाना बनाया और एक के बाद एक कई राउंड फायर कर दिए। बुरी तरह से घायल व्यापारी को दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हमला करने के बाद बदमाश बड़े आसानी से वहां से भाग निकले। पुलिस पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो ये रेत की गाड़ी लेकर आए थे 22 टेराई, तो वह प्लॉट पोता रहने में हम उसको देख कर आ रहे थे। जैसे गाड़ी लगवानी, जैसे ही गाड़ी लगवा कर बाहर निकल लेते प्लॉट से, तो तीन मुँह लपेट कर तीन आयर पिस्टल लेते और गोली चलानी शुरू कर दी। अपाचे मोटा है कि लहसा फेद, तीन दुकानों पर कैमरे हैं, उनका नंबर भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। जो लोगों ने बताया कि तीन लड़के आए जिन्होंने मुँह पर कपड़ा बांधा था, वाइट रंग की गाड़ी थी, और आते ही कुछ बातचीत नहीं की और सीधे उन पर फायर कर दी। और तीनों पे बता रहे हैं असर थे, जैसा बता रहे हैं। तो उस संबंध में चेकिंग की जा रही है जनपद में। मैं यहाँ पे चूँकि सूचना मिली थी कि उन घायल को यहाँ लाया जा रहा है, तो यहाँ जब उन्हें लाए तो वो डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड डेड बता दिया। तो इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही, चेकिंग चल रही है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मामला कुछ हो सकता है लेन देन का हो, ये बात अभी तक प्रथम दृष्टया बात पता लगी है। पूरी जानकारी की जा रही है और चेकिंग चल रही है, उन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। और अब बात गोंडा की करते हैं, जहां पर एक और बच्ची हैवानियत का शिकार हुई। घटना मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र की है। बीती रात एक दरिंदे ने घर में सोई 8 साल की बच्ची को पहले अगवा किया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को उसी के घर लाकर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश कर रही है। इलाहाबाद के गडरा इलाके में एक शख्स एक कार और स्कूटी को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला इलाहाबाद कर्नलगंज इलाके के लक्ष्मी चौराहे का है। यहां पर स्थानीय लोगों ने देर रात एक नशेड़ी युवक को जुआ खेलने से रोका, जिसके बाद युवक ने अगले दिन रंजिशन इलाके में खड़ी कार और स्कूटी को जलाने की कोशिश की और हंगामा भी किया। इसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। सहारनपुर में बेहट के खिड़का भटकवा गांव में पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में स्मैक और कोकीन बरामद हुई। वहीं पुलिस ने मौके से 3.5 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी महिला समेत 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले कुछ समय से नशे के कारोबार का बड़ा रैकेट चला रहे थे। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर गिरोह के बाकी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बन रही हमारे साथ।